नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था, पानी, शौचालय को किया चेक, कहा सभी रैन बसेरों में रुकने की है समुचित व्यवस्था। दो शातिर वाहन चोरों शरीफ और शुभम कुमार मधेशिया के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। एम्स निदेशक सुरेखा किशोर व एसएसपी डॉक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद के पुलिसकर्मियों का मेडिको लीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एम्स निदेशक ने कहा, मेडिको लीगल केसेस में पुलिस व डॉक्टर को एक साथ काम करने से जटिल केसों को भी आसानी से किया जा सकता है साल। धोखाधड़ी, कूट रचना, छल, मारपीट व धमकी देने के आरोप में कोतवाली थाने के पुलिस ने वांछित अभियुक्त रामू चौहान को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन का किया गया आयोजन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद, सुना गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर कीर्तन। महानगर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के 9 चौराहों पर लगाया स्प्रिंग पोस्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, स्प्रिंग पोस्ट लगने से चौराहों पर लेफ्ट लेन रहेगा क्लियर, आवागमन में होगी आसानी। और एक स्वयंसेवी संस्था ने सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व खेल कूद के सामान एवं पूर्व प्राथमिक स्कूलों को दिया एलईडी टीवी और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्री। कहा, भविष्य में यह बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में बनाएंगे अपनी अलग अलग पहचान। अब समाचार विस्तार से। एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद के रैन बसेरों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां पर यह सुनिश्चित किया गया कि रैन बसेरों में रुकने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर पानी, शौचालय, गर्म बिस्तर की व्यवस्था है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति रैन बसेरे में जाकर रुकता है और उसके पास अधिक पैसा है या कोई बहुमूल्य चीज़ है तो वो लाकर में रखकर आराम से सो सकता है, इसीलिए सभी रैन बसेरों में लाकर की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि सभी रैन बसेरे साफ सुथरे एवं वहां पर अलाव की भी पूरी व्यवस्था की गई है जो रात्रि 10 बजे तक जलती रहती है। जनपद में अभी तक ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों में कुल 9,500 कंबल का वितरण किया जा चुका है, अभी 10,000 कंबल और आना बाकी है। सभी तहसीलों को निर्देश दिया गया है कि वह जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल का जरूरतमंदों में वितरण करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन सामने हमारा गेट नंबर 1 है, उसके ठीक सामने ये रैन बसेरा बना है। आप देखिए, ये नगर निगम गोरखपुर के द्वारा अंदर आ जाइए, अंदर इसमें पुरुषों के लिए 10 फीट का ये बना हुआ है, बहुत शानदार रैन बसेरा है, निःशुल्क है। आप देखें यहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई हैं और मुख्य चीज़ ये है कि इसमें ये एक छोटे छोटे लॉक है, अलमारियाँ हैं, लॉकर है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना कोई बहुमूल्य सामग्री लेकर आता है तो वो इसमें रख सकता है, वो उसकी सुरक्षित रहेगी। सामने ये शौचालय है और स्नान और इसी प्रकार से प्रथम तल पे कितने वो हैं, 9 बेड। इसी प्रकार से प्रथम तल पे 9 महिलाओं के लिए बेड बने हुए हैं और उसके जाने का रास्ता किधर से है, आइए ऊपर चले चलते हैं। 9 बेड महिलाओं के लिए बना हुआ है, यहाँ पर भी लॉकर है। मुझे आप लोगों को केवल ये सूचित करना है कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये रैन बसेरा है, निशुल्क है। यदि आप बाहर से कहीं आते हैं और आपको यहाँ पर रुकना है तो ठीक सामने ही आकर के यहाँ आप रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है,
और किसी भी रैन बसेरे में भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन आपको कहीं से करके आना है और फिर यहाँ आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और हमारे साथ विनय पांडे जी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में, नगर निगम क्षेत्र में भी और नगर पंचायत क्षेत्र में भी, सभी जगह बहुत ही गहनतापूर्वक रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वहाँ की साफ़ सफाई, बिस्तरों की संख्या क्या है, मेल फीमेल की अलग है या नहीं है, शौचालय की व्यवस्था क्या है, और विशेष रूप से लॉकर देखा गया कि अगर कोई भी आदमी वहाँ आकर के रुकता है, कोई भी रैन बसेरे में, किसी भी रैन बसेरे में रुकता है और उसके पास कोई अगर बहुमूल्य जैसे पैसा इत्यादि होता है, सुरक्षित तरीके से वो लॉकर में रख करके ताला बंद कर ले और चैन की नींद सोए। सबसे अच्छी बात ये है कि सभी रैन बसेरे साफ़ सुथरे हैं और रजाइयाँ हैं वहाँ पर, और साथ में अलाव की भी व्यवस्था है, वो शाम करीब 10 बजे तक जलता रहता है और उसके बाद सभी लोग रैन बसेरे में विश्राम करते हैं। सर, अभी तक कितने कमरे वितरण किए हैं? अभी तक हमारे जनपद में लगभग 9,500 कंबलों का वितरण कर दिया गया है, करीब 10,000 की मात्रा में और कंबल पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हर तहसील में और प्रत्येक निजी व्यक्ति को कंबल मिल जाए। कैंपियागंज थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियागंज श्याम देवबिंद ने बताया कि कैंपियागंज थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान शरीफ पुत्र स्वर्गीय अशरफ निवासी ग्राम बसंतपुर थाना कैंपियागंज जनपद गोरखपुर, दूसरा शुभम कुमार मधेशिया पुत्र ईश्वरचंद मधेशिया निवासी बसंतपुर टोला अड़रिया थाना कैंपियागंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियागंज ने बताया कि गैंग लीडर शरीफ अपने गैंग के सदस्य शुभम के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए आए दिन वाहन चोरी जैसे अपराध कारित करता है। इस गैंग के लीडर एवं सदस्य के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियागंज श्याम देव बिंद ने कहा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संगठित अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में आज कैंपियागंज पुलिस द्वारा दो साथी अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर नियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर शरीफ व उसका साथी शुभम मधेसिया है। एम्स निदेशक सुरेखा किशोर व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर की अध्यक्षता में एम्स के सभागार में जनपद के पुलिसकर्मियों का मेडिको लीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक सुरेखा किशोर ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि समस्त पुलिसकर्मियों को मेडिको लीगल केसेस की जानकारी होना अति आवश्यक है, इससे मेडिको लीगल केसेस में चिकित्सकों और पुलिस दोनों के आपसी तालमेल में कार्य करने से जटिल केस को भी आसानी से हल किया जा सकता है। नियमित रूप से चलने वाले प्रशिक्षण से गोरखपुर जनपद में कार्यरत पुलिसकर्मियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और मेडिको लीगल केसेस के उचित निस्तारण में सहायता मिलेगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है। वहीं इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा कि अधिकतर मुकदमों में मेडिकल का बहुत महत्व है, क्योंकि मेडिकल के आधार पर ही थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जनपद के हर एक थानों में 80% मामलों में मेडिकल होना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फॉरेंसिक मेडिसिन और गोरखपुर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण आपसी संबंध से नियमित रूप से किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, सीओ कैंपियागंज श्याम देव बिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, now I would like to call Dr. Aran Mohan Dikshit sir, additional professor in charge, head of department of forensic medicine and toxicology. Good afternoon and all of you present here. Medicine and toxicology department towards the medical legal aspect, which is the crucial point in the investigation of the crime of the medical legal cases and enable them to serve better to the justice and humanity. Today we are on this platform due to continuous support and guidance of our respected executive director ma'am,
and also by Dr. Gaurav Grover, IPS Senior Superintendent Police Gorakhpur, who himself involved in this conceptualization of this training. I hope the training will instill scientific knowledge regarding the medical legal aspect of the cases of the trainees. Thank you all of you being with us. Warm welcome on behalf of AIIMS Gorakhpur. He is the resident of Bathinda, Punjab. He has pursued his MBBS from CNC Ludhiana of batch 2004. He is the IPS of 2013 batch, Bahraich and Mathura. He is currently the senior superintendent of police, Gorakhpur. He has many medals for his commendable jobs in the service. The ex-dean academic AIIMS Rishikesh, ex-dean social outreach AIIMS Rishikesh, ex-president of all of you present in this August gathering. Chief guest of today's function, Dr. Gaurav, IPS SSP Gorakhpur. Our another important guest, SP City Gorakhpur, Shri Krishnaji. All the other dignitaries, the important participants, the whole force, faculty members, residents and students. It is indeed a proud moment. Like Dr. Ashish has already mentioned, that this is the first training program of its kind, either the crime scene or the autopsies which you are performing or other related activities. So this aspect has been, in your whenever you are working with these kind of things, so like Dr. Ashish has mentioned, so probably this training and this learning session is definitely going to benefit both the parties, and we are going to have a great experience sharing during this workshop. And I congratulate the whole team of our Forensic Medicine Department, which is led by Dr. Anand Mohan Dixit, Dr. Ashish and Dr. Namni. They are working there as assistant professors, and Dr. Ashish has really worked and put up his efforts to have this special day and the workshop organized. First and foremost, a great thanks to Dr. Gaurav Grover. He had been so helpful since the very beginning of COVID waves when we were working for it, and he was very proactive, I should say that, and a big round of applause. Besides being a medical person, coming into the field of this force, police force, and being in such a great position and status, he is absolutely a down-to-earth person and very humble person. Very humble person I have ever met in Gorakhpur. So hats off to you, Dr. Gratefulness, gratitude to you, Dr. Gaurav, as well as Mr. Krishna, who SPCT, he had also been very supportive. Whenever our team had visited him, he was always there to support our team, because Dr. Ashish always gave me the feedback, and you had always been a kind of link to, your department and our department, and, bahut sara apne bahut madad ki, aur iske liye hum tahe dil se sari team ka aapka dhanyavaad karte hain, aur aapka bahut bahut swagat, abhinandan, AIIMS ke parisar mein. After the program or before the program, you are again the part of our family now,
And I congratulate all of you and my best wishes for, undergoing this training. और डॉक्टर गौरव के साथ जैसे बात हो रही है हमारी के आगे भी हम लोग फ्यूचर में वंस दिस ट्रेनिंग इज ओवर वी कैन फाइंड आउट अदर एरियाज आल्सो वेयर वी कैन वर्क टुगेदर और एम्स गोरखपुर और आपकी टीम के साथ मिलके हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो शायद एक इट शुड गिव एन एग्जांपल इट शुड सेट अप एन एग्जांपल दैट वी हैव इनिशिएटेड समथिंग which is very unique and has been initiated for the first time at this place. So, इसके लिए सर आपका बहुत ज़्यादा सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, आप सभी लोगों का इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है जो आप करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में करते रहेंगे इस तरह से. और एक बस आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमारी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए. एम्स गोरखपुर के इस अति सुंदर सभागार में मेडिको लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम और पुलिस ऑफिसर्स के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित और इस यहाँ पर मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम सुरेखा किशोर जी, यहाँ पर उपस्थित फोरेंसिक मेडिसिन के एचओडी सर, फोरेंसिक मेडिसिन के सभी फैकल्टी मेंबर्स, गोरखपुर पुलिस के एसपी सिटी और बाकी सभी ऑफिसर्स, मीडिया बंधु, आज मैं यहाँ पर उपस्थित होकर बहुत खुश हूँ. आई एम रियली हैप्पी और उस खुशी के दो कारण हैं. पहला कारण तो ये है कि पुलिस ऑफिसर्स की निरंतर ट्रेनिंग जो कि हमेशा से हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और जिस विषय पर ये ट्रेनिंग हो रही है वो एक ऐसा विषय है जिसको डॉक्टर से अच्छा और कोई नहीं पढ़ा सकता है. तो इस ट्रेनिंग को, इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए और हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भविष्य में ट्रेन करने के लिए जो आपने अपनी सहमति दी है और पूरा प्रोग्राम एक तरह से अरेंज किया है, ये हम लोगों को बहुत खुशी देता है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ. जैसा कि मैंने कहा कि इसका दूसरा कारण वो मेरा व्यक्तिगत कारण है. जब भी मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाता हूं तो मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट ही जाता हूं और आज जैसे मैम ने कहा कि ही सो हम्बल, जिस तरह से मैम कह रहे थे, मुझे लग रहा है जब मैं मैम के रूम में जा रहा था तो मैं एसएसपी के रूप में नहीं, मैम के एक जूनियर के रूप में जा रहा था और वो रिस्पेक्ट के कारण ही कह रहा था. जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल के रूम में ही जाना बहुत बड़ी बात होती थी, डायरेक्टर के रूम में तो कभी जाने का मौका ही नहीं मिला था. आज वो मौका मैम आपने दिया है, यू हैव बीन सो काइंड. ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम भी आया था तो आप इतने हम लोगों को कम्फर्ट किया था, तो आई शुड थैंक यू फॉर दैट, फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ऑल योर फैकल्टी मेंबर्स फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम. मैं इस प्रोग्राम की या इस जो हमारा ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में ये बात करना चाहता हूँ. जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, आप इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि अगर एक साल में हमारे यहाँ थाने पर सपोज 100 एफआईआर लिखी जाती हैं, उस 100 एफआईआर में सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितनी ऐसी हैं जो बॉडी क्राइम से संबंधित हैं? मुझे लगता है 80% होंगे. या सबसे सीनियर इंस्पेक्टर कौन है? ऐसे जो कैंट बैठे हैं और कौन है, आप बताएं इंस्पेक्टर साहब, आपके यहाँ पर जितनी एफआईआर 2022 में लिखी गई होंगी उसमें बॉडी क्राइम्स में कितनी होंगी? 70-80% होंगी, 80% एसएचओ बड़लगंज बैठे आप बताइए सर, मोर देन 80% आप बताइए सर, मोर देन 80% खजनी सॉरी बेड़ीपार 80% तो जो हम 80% ऑफ हमारा एफआईआर लिखी जाती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं वो बॉडी क्राइम से संबंधित है. और सभी बॉडी क्राइम्स को जो डिफाइन करती है चीज वो एक डॉक्टर के द्वारा किया गया मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है. तो अगर हमारे 80% ऑफ काम में या हमारे 80% ऑफ इन्वेस्टिगेशन में
डॉक्टर्स के द्वारा किया गया मेडिकल या अगर डेथ होती है तो डेथ में किया गया पोस्टमार्टम इतना बड़ा रोल निभा रहा है, तो क्यों नहीं हम इस चीज को अपनी ट्रेनिंग का सबसे मुख्य पार्ट बनाएं। एक तरह से हमारे यहाँ पर आने वाले 80% प्रार्थी, हमारे यहाँ क्षेत्र में लीड होने वाले 80% जनता शायद इन्हीं एफआईआर या इन्हीं केसेस से उसके विक्टिम है या एक्यूज है, दोनों की बात करेंगे। तो इस टेक्निकल चीज को जानना हर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए जो कि सीईओ के रूप में या एडिशनल एसपी के रूप में एसएसपी के रूप में होते हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। दूसरी चीज टेक्निकल भाषा में अगर हम बोले तो बॉडी क्राइम के सेक्शंस क्या है आईपीसी के, 323, 324, 325, 326, 308, 307, 302, 304, 304 ए, 304 बी, यही सेक्शन है। और इन सेक्शंस में कौन सा सेक्शन आप एफआईआर में, कोई भी सेक्शन रख सकता है, वो एफआईआर में जो लिखते रहेंगे हम उसी को सेक्शन को लिखते हैं, लेकिन फाइनली कौन सा सेक्शन आपकी चार्जशीट में लिखा जाएगा या कौन से सेक्शन में आप चार्जशीट करेंगे वो 100% नहीं तो एटलीस्ट 90% इट विल डिपेंड अपॉन कि उस केस में जो मजरूह है, जिसको चोट लगी है, जो विक्टिम है, उसके जो चोट लगी है उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन जो एक डॉक्टर के द्वारा किया गया है, उसके द्वारा उस मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन में चोट को किस तरह परिभाषित किया गया है वही डिफाइन करेगा कि आप कौन से सेक्शन में चार्जशीट लगाएंगे। देखिए, आज एम्स गोरखपुर और गोरखपुर पुलिस की पार्टनरशिप में यहाँ पर एम्स गोरखपुर के ऑडिटोरियम में फॉरेंसिक साइंस के संबंध में पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में सभी स्तर के हमारे जो आईओज हैं उनकी ट्रेनिंग विशेष रूप से मेडिको लीगल जो केसेस हैं, जो जिसमें डेथ होती है, पोस्टमार्टम से संबंधित जो ट्रेनिंग है और अन्य विषयों पर बड़े विस्तार पूर्वक इसमें ट्रेनिंग यहाँ के जो फॉरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उनके सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा दी जाएगी। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि थाने पर पंजीकृत होने वाले अभियोगों में सबसे अधिक संख्या बॉडी रिलेटेड क्राइम्स की होती है, जिसमें धारा या जो सेक्शंस हैं वो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन में अंकित की गई चोटों के ऊपर निर्धारित होती है, उसी के ऊपर और एविडेंस बनता है। तो इसलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा महत्ता है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे आईओज एविडेंस बेस्ड और मेडिको लीगल एडवाइस बेस्ड और जो भी ओपिनियन डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया है उसके आधार पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं और प्रोफेशनली अपने आप को और ज़्यादा इसमें पारंगत करें, ताकि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से आम जनता को न्याय दिलाया जा सके। कोतवाली थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी, मारपीट व धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रामू चौहान पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह चौहान निवासी राम गुलाम टोला वार्ड नंबर 10 थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त रामू चौहान अपने दो अन्य साथियों के साथ वादनी मुकदमा को ज़मीन देने के लिए 9,95,000 रुपये लिया तथा फर्जी ज़मीन बैनामा कर दिया, जिससे वादनी को कब्जा ना मिलने पर रुपये वापस ना करना तथा वादनी व उसके पति को मारपीट कर गाली गुप्ता देकर जान माल की धमकी देने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर।
महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था, पानी, शौचालय को किया चेक, कहा सभी रैन बसेरों में रुकने की है समुचित व्यवस्था। दो शातिर वाहन चोरों शरीफ और शुभम कुमार मधेशिया के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। एम्स निदेशक सुरेखा किशोर व एसएसपी डॉक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद के पुलिस कर्मियों का मेडिको लीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एम्स निदेशक ने कहा, मेडिको लीगल केसेस में पुलिस व डॉक्टर को एक साथ काम करने से जटिल केसों को भी आसानी से किया जा सकता है साल। धोखाधड़ी, कूट रचना, छल, मारपीट व धमकी देने के आरोप में कोतवाली थाने के पुलिस ने वांछित अभियुक्त रामू चौहान को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन का किया गया आयोजन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद, सुना गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर कीर्तन। महानगर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के 9 चौराहों पर लगाया स्प्रिंग पोस्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, स्प्रिंग पोस्ट लगने से चौराहों पर लेफ्ट लेन रहेगा क्लियर, आवागमन में होगी आसानी। और एक स्वयंसेवी संस्था ने सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व खेल कूद के सामान एवं पूर्व प्राथमिक स्कूलों को दिया एलईडी टीवी और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्री। कहा, भविष्य में यह बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में बनाएंगे अपनी अलग अलग पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे सिख धर्म के लोगों ने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भी प्रकाश पर्व में पहुंचकर कीर्तन का आनंद उठाया। प्रकाश पर्व के अवसर पर यमुनानगर से आए रागी जसविंदर सिंह व नानक मता साहिब से आए रागी जत्थों के द्वारा गुरुवाणी के माध्यम से तथा अमृतसर पंजाब से गुरमत प्रचारक सतबीर सिंह ने गुरु इतिहास से संगत को निहाल किया, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह लाडे ने बताया कि पूरे देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह के पावन प्रकाश पर्व की बधाई। आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने पटना साहिब की धरती पर अवतार धारण किया था। आज गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। वहीं इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का 356 प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने धर्म और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। पूरे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे पूर्वज जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने सब कुछ बलिदान दे दिया था, उनकी याद में कार्यक्रम किया जाए। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है जिनका पूरा परिवार धर्म व देश के लिए बलिदान दिया हो। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हम सबको प्रेरणा देता है कि कैसे हम लोग देश व धर्म के लिए काम कर सकें। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सरदार जसपाल सिंह, सरदार हरविंदर सिंह, अरविंद सिंह, पीताम्बर सिंह, बलविंदर सिंह, अनमोल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह लाडे और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ठीक पर आखिरकार साडी निमरता नूं सोचदा शायद कायर है, बुझदिल है। फिर दादा जी कहिंदे, चुंकार अज हमा हील ते दर गुजश हवाल अस्त गुरदन बा शमशीर दस्त। फिर विचों एक भी जंग विच गुरु गोबिंद सिंह ने पहला हमला नहीं कीता। ब्लड डोनेट कैंप भी लाया होया,
ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ 1700 ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਚਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਸੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਮਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਦਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮਸੀਦ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਹਜਾਬ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਜਨਮੋਤਸਵ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਹਿਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਨੂ ਜੀ ਯਹਾਂ ਉਪਸਥਿਤ, ਮਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪਾ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਓਂ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਐਸਾ ਧਰਮ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਬਲੀਦਾਨ ਕਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਧਰਮ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਨੋ ਭਾਈਓਂ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਰ ਆਜ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬਰਸੋਂ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੇ ਕਾਲਖੰਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਐਸੇ ਜੀਵਿਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਆਗੇ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਓਂ ਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੋ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਕੋ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੋ 22 ਦਿਸੰਬਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕੇ 29 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਪਰਵ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਸਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜੋਂ ਕੇ ਉਸ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਲਾਡੇ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਮੈਂ ਆਭਾਰੀ ਹੂੰ। ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਭਾਈਓਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਭੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਕੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ,
आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पिता गुरु तेग बहादुर माता गुजरी जी की कोख से पटना साहिब की धरती में अवतार धारण किया था। आज हम उनका सभी नगरवासियों के सहयोग से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में साहिब जी का 356वां पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आज के कीर्तन दरबार की हाजिरी भरने के लिए हजूरी रागी सिंह मानरो भाई साहब, भाई रचपाल सिंह, भाई दिलबाग सिंह जी नानक मता, भाई जसविंदर सिंह जी यमुनानगर और गुरमत प्रचारक भाई सतवंत सिंह जी अमृतसर वाले पहुँचे हुए हैं, जो गुरबाणी शब्द कीर्तन और गुरमत विचारों से संगत को निहाल कर रहे हैं। 2:30 बजे अरदास होगी, उसके उपरांत गुरु का लंगर बताया जाएगा। शाम का दीवान भी 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। रात में विशेष तौर पर आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का अति आभारी हूँ। गोरखपुर की समूची सिख संगत की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि जो आपने इस महान कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ पुलिस प्रशासन का भी, जिनका पूरा सहयोग हमें नगर कीर्तन में मिला और हम शोभा यात्रा निकालने में बहुत सफल रहे। और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया की तरफ से, आप मीडिया के भाइयों की सहयोग से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी बहुत आभारी हूँ, जो कि पिछले कई सालों से हमारा प्रयास चल रहा था कि 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया जाए, तो मोदी जी ने गुरु महाराज के और उन चारों साहबजादों को की महान शहादत के कृतार्थ होते हुए 26 दिसंबर को केवल बाल दिवस ही घोषित नहीं किया, लाल किले में भव्य रूप से इसको मनाया भी। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा सिख समाज उनका ऋणी है कि उन्होंने जो ये महान कार्य किया, विगत 70 वर्षों से देश आज़ाद हुआ किसी ने ये कार्य नहीं किया जो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक बार फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, मनमोहन सिंह लाडे सचिव गुरुद्वारा कमेटी, आप सभी नगरवासियों को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार धर्म और देश के लिए बलिदान हुआ है, और ये केवल सिख समाज नहीं बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है कि ऐसे पूर्वजों को, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, जिन्होंने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपना सर्व कुछ सर्वस्व बलिदान किया है, उनके याद में इस कार्यक्रम को किया जाए। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है जिनका पूरा का पूरा परिवार धर्म और देश के लिए बलिदान दिया हो। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये पावन पर्व, प्रकाश पर्व, हम सबको प्रेरणा देता है कि देश और धर्म के लिए किस प्रकार से बलिदान दिया जाए, और उसके उनको याद करके कैसे एक प्रेरणा के रूप में आगे की पीढ़ी देश और धर्म के लिए काम करें। यातायात को बेहतर बनाने और जाम से छुटकारा पाने के लिए गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस के पहल पर महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। शहर में सिग्नल लगे चौराहों पर लेफ्ट टर्न फ्री ना होने के कारण वाहन चालकों को जाम में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे वाहन को लेफ्ट टर्न में खड़े कर वाहन चालकों के लिए आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के कारण एक निर्धारित समय में पूरे वाहनों को एक सिग्नल पोस्ट में पार करने में काफ़ी समय लगता है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा शहर के 9 चौराहों पर स्प्रिंग पोस्ट लगाया गया है, जिससे चौराहों पर यातायात को सुगम, सुरक्षित व आवागमन में आसानी होगी। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर लेफ्ट टर्न को खाली रखने के लिए स्प्रिंग पोस्ट लगाया गया है। स्प्रिंग पोस्ट लग जाने से जिन लोगों को लेफ्ट जाना है, वो चौराहों पर आने से पहले
आसानी से लेफ्ट लेन की तरफ चले जाएंगे। स्प्रिंग पोस्ट लेफ्ट लेन को क्लियर रखने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में करीब 9 चौराहों पर स्प्रिंग पोस्ट लगाया गया है और आगे अन्य चौराहों पर लगाने की योजना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महन पाल सिंह ने कहा, नगर निगम गोरखपुर के द्वारा शहर में विभिन्न चौराहों पर लेफ्ट लेन को क्लियर रखने के लिए एक इंडिकेशन के रूप में लाल रंग के छोटे छोटे पिलर्स, जिनको स्प्रिंग पोस्ट बोलते हैं आम भाषा में, उनको लगाया गया है। ये नागरिकों की सहूलियत के लिए है। जिन लोगों को लेफ्ट जाना है वो चौराहे पर आने से पहले ही अपनी लेफ्ट लेन में ले लें और लेफ्ट लेन से सीधे निकल जाएं। आम नागरिकों से ये अनुरोध है कि स्प्रिंग पोस्ट लेफ्ट क्लियरेंस के लिए है, लेफ्ट साइड को क्लियर रखने के लिए है। अतः अपने वाहन के लिए लेफ्ट लेन में जिनको सीधे जाना है वो ना लाएं। शेष लोग सिग्नल के दौरान स्टॉप लाइन पर अपने वाहन के लिए रोकें। इससे जहां चौराहों पर अनावश्यक भीड़ या प्रेशर की स्थिति होती है उस स्थिति में कमी आएगी और ये सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से ही संभव है। ये आपकी सहूलियत के लिए है। कृपया करके सभी लोग जिनको लेफ्ट जाना है वो इस पोस्ट का यूज करें और शेष लोग सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करें। सर, अभी तक कितने चौराहे लगाए? अभी तक हम लोगों ने इसको 9 चौराहों पर लगा दिया है। शेष अन्य चौराहों पर लगाए जाने की योजना है। सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार के लोगों की बहुत सारी आर्थिक व अन्य समस्याएं होती हैं, जिसको देखते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन PSA रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अलीनगर स्थित एक भवन में 9 वर्ष के पूर्व प्राथमिक स्कूल के वांछित बच्चों को यूनिफॉर्म, खेलकूद के सामान, स्टेशनरी तथा स्कूल को LED TV और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसके संबंध में BSA रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अगर इसी प्रकार से समाजसेवी संस्थाएं समाज के सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार पर कार्य करेंगे तो जल्दी कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह जाएगा तथा सभी लोगों को इस प्रकार से बच्चों को विकास के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने से और मदद करने से भविष्य में यह बच्चे समाज में मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे और इन्हीं बच्चों में कोई IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेगा। इस अवसर पर किराना कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज बंसल, अशोक अग्रवाल, रितेश जायसवाल, राजू शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए BSA रामेंद्र कुमार सिंह एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, ठीक है।
स्पीकर अभिनंदन करें। आग्रह करके आज कवियों को सभी बच्चों से आग्रह है बाबू और जागरूक गोरखपुर का भी दायित्व होता है और जागरूक गोरखपुर और अंतिम परिणाम ये बहुत आगे निकल रहे हैं और आसान भी जाता है सफल कार्यक्रम तक पहुंच पाए हैं। जो शिक्षा विभाग के अंदर पे जाए उनको मिले हैं और प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े और हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट दो तरीके की स्कीम लॉन्च करती है, एक बेनिफिशरी स्कीम होती है, एक फील्ड ओरिएंटेड होती है। लेकिन कोई भी समाज उन्नति तभी करता है जब उस समाज के सम्मान लोग अच्छे लोग उस समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय जैन साहब को, आदरणीय जयसवाल जी को और रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को कि आपने जो सरकार का विजन है उसको आप लोग आगे बढ़ के पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को हम लोग को सुविधाएँ देते हैं लेकिन जब समाज के डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, उद्योगपति हुए, हमारे शिक्षक हुए या समाज सेवी हुए, ये लोग आगे बढ़ के उस फील्ड यानी उस स्थानीय व्यवस्था में क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ उछावर करते हैं। तो ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे समाज सेवियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये अनुरोध भी करता हूं कि जैसे आप लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं और भी हमारे समाज में बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विद्यालयों को गोद लिया है। क्योंकि सच्ची सेवा यही है कि आप बच्चे देख रहे होंगे अगर हम लोग ना करते तो ऐसा नहीं सरकार तो उनको कुछ ना कुछ सुविधाएँ देती है। उसके बाद निशु यादव जी साहब से भी निवेदन कि आप भी आ जाए तिवारी बाद रेखा तिवारी उसके बाद कि जो आपने काम किया तथा चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष पे गोरखपुर जिला कार्यालय से लेकर आज ये अपना गोरखपुर एक हमारी टीम है जिसमें हमारे समाज के सम्रांत लोग सम्मिलित हैं। इसमें उद्योगपति हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं। इन लोगों के द्वारा जनपद में बहुत ही अच्छी पहल शिक्षा के विकास के लिए किया जा रहा है। इन लोगों ने हमारे स्कूल्स को, प्राथमिक विद्यालयों को गोद ले रखा है और उन बच्चों को न केवल ट्रेंड करते हैं बल्कि अपनी तरफ से सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इनको कपड़े भी देते हैं, जूते मोजे भी देते हैं, खेल के सामान भी प्रोवाइड कराते हैं। और अभी हमारे इसी अपना गोरखपुर के तत्वाधान में इन लोगों ने एक स्कूल्स को LED TV भी प्रोवाइड किया है। हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ भी सकेंगे। तो मैं इन समाज सेवियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि ऐसे समाज सेवी हमारे गोरखपुर में हैं और इन लोगों के सहयोग से मतलब समाज के ऐसे बच्चे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, उन पर हमारे समाज सेवी ध्यान देते हैं। तो मैं अपना सभी का आभार प्रकट करता हूँ। हम संदेश देना चाहेंगे इस समाज के ऐसे बहुत से सम्मानित लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं। ये लोग अगर समाज से कनेक्ट हैं और ऐसे गरीब और वंचित लोगों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गोरखपुर एक उन्नत गोरखपुर बनेगा और एक श्रेष्ठ गोरखपुर बनेगा। और जो हमारे सरकार का सपना है कि सभी बच्चे हमारे निपुण हों, तो सभी बच्चे पढ़ लिख कर निपुण होंगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आज यहाँ पर अपना गोरखपुर के द्वारा यहाँ पर आयोजित हुआ है कार्यक्रम। ये बहुत से सरकारी स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनके बहुत से बच्चे और उसके साथ साथ गोरख धर्मशाले पर गुरुद्वारा के पास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इधर उधर घूमते हैं, कुछ करते नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। ऐसे बच्चों को इन्होंने उसका शॉर्टिंग करके और गोरखपुर बच्चे पढ़ें, अच्छे बने, एक संस्कारी हों, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करके एक अच्छा कार्यक्रम अपना गोरखपुर के तत्वाधान में नितिन जी जायसवाल और उनके साथ में तमाम समाज सेवी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने बहुत से समाज सेवी लोग हैं जिनका पूरा योगदान है इसमें और उनके योगदान से इन बच्चों को एक अच्छे संस्कार मिलें
अच्छे पढ़े लिखे हैं और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें उन बच्चों को कपड़े वगैरह भी अभी दिए गए हैं, कुछ और भी आइटम खेल कूद के भी आइटम दिए गए हैं, LED TV भी दिया गया है, तो उसके माध्यम से बच्चे अच्छा स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे होंगे और एक अच्छे संस्कारी जो बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा। जब बच्चे के अंदर एक अच्छे संस्कार हों, अच्छे आचरण हों, जो दिन भर घूमते हैं इधर उधर, अगर उनके अंदर एक पढ़ाई लिखाई का एक वातावरण बैठा होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा और हर हमारी सरकार जो है वो जागरूक है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और वो एक संस्कारी बने। यही आज इसका मिशन था और यहाँ पर तमाम बच्चे भी बहुत मलिन बस्ती से बच्चे आए थे, उनको यही है कि वो लोग अच्छे बने, अच्छे संस्कारी हैं, यही भावना के साथ आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीच में बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए थे और भी तमाम अपने गणमान्य लोग हैं और रोटरी क्लब से भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनका पूरा सहयोग इसमें मिला है। तो इसको एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से एक अच्छा आगे बच्चे बढ़ेंगे। यही काम आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था, पानी, शौचालय को किया चेक, कहा सभी रैन बसेरों में रुकने की है समुचित व्यवस्था। दो शातिर वाहन चोरों शरीफ और शुभम कुमार मधेशिया के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। CO कैंपियरगंज श्याम देव बिंद ने दी जानकारी। एम्स निदेशक सुरेखा किशोर व SSP डॉक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद के पुलिस कर्मियों का मेडिको लीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एम्स निदेशक ने कहा, मेडिको लीगल केसेस में पुलिस व डॉक्टर को एक साथ काम करने से जटिल केसों को भी आसानी से किया जा सकता है साल। धोखाधड़ी, कूट रचना, छल, मारपीट व धमकी देने के आरोप में कोतवाली थाने की पुलिस ने वांछित अभियुक्त रामू चौहान को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में गुरुवाड़ी कीर्तन का किया गया आयोजन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद, सुना गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर कीर्तन। महानगर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर के 9 चौराहों पर लगाया स्प्रिंग पोस्ट। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, स्प्रिंग पोस्ट लगने से चौराहों पर लेफ्ट लेन रहेगा क्लियर, आवागमन में होगी आसानी। और एक स्वयंसेवी संस्था ने सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व खेल कूद के सामान एवं पूर्व प्राथमिक स्कूलों को दिया LED TV और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्री। कहा, भविष्य में यह बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में बनाएंगे अपनी अलग अलग पहचान। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।